हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब नई वंदे भारत आई थी तो आपने एक बात जरूर सुना होगा कि वंदे भारत ट्रेनें शताब्दी को रिप्लेस करने वाली है, मतलब कि शताब्दी को बंद करके वंदे भारत को ही भारतीय रेलवे फ्यूचर में चलाने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर देश में पहली बार किसी शताब्दी को यहां पर बंद करके वंदे भारत से रिप्लेस करने की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। कौन है ये शताब्दी, कब से रिप्लेसमेंट होने वाला है, आखिर क्या वजह है कि भारतीय रेलवे इस शताब्दी को रिप्लेस कर रही है, सारे डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, शताब्दी या फिर वंदे भारत दोनों ही चेयर कार वाली ट्रेनें हैं, इनमें सिर्फ बैठकर ही यात्रा किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों, जो भारतीय रेलवे है वो हमेशा से ही वंदे भारत को शताब्दी के लिए एक बेहतर विकल्प मानती है और इसी को देखते हुए ट्रेन को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अब तक हमारे देश में 34 रूट पर वंदे भारत चल रही है और ऐसे बहुत सारे रूट हैं जिन पर शताब्दी और वंदे भारत दोनों साथ साथ में ही चलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा रूट है जिस पर भारतीय रेलवे चल रही शताब्दी को बंद करके अब वंदे भारत चलाने वाली है। और बात कर ली से शताब्दी एक्सप्रेस की, तो ये जो गाड़ी है वो नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी लखनऊ शताब्दी की। ये गाड़ी दोस्तों देश में काफी ज्यादा चर्चित है। दोस्तों, लखनऊ शताब्दी को वंदे भारत से रिप्लेस करने की जो बात है वो यहाँ पर सामने निकल गया ही है। वहीं बात कर ले कि कौन सी वंदे भारत ट्रेन इस लखनऊ शताब्दी को रिप्लेस करने वाली है, तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि भारतीय रेलवे दिल्ली से लखनऊ के लिए एक वंदे भारत उतारेगी देन इस शताब्दी को रिप्लेस कर देगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर अभी कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है और यहां पर कोई और वंदे भारत इस शताब्दी को रिप्लेस करने वाली है। वहीं बात कर ले इस वंदे भारत ट्रेन की, तो ये जो गाड़ी है वो आनंद विहार से अयोध्या के लिए चलने वाली है। और इसको लेकर रिसेंटली मैंने आपसे बात किया था कि राम मंदिर इनॉग्रेशन से पहले भारतीय रेलवे अयोध्या को चारों तरफ से कनेक्ट करना चाहती है और इसलिए दोस्तों आनंद विहार से अयोध्या के लिए 8 कोच वाली एक वंदे भारत को भारतीय रेलवे उतारने वाली है। और इसी को दोस्तों भारतीय रेलवे शताब्दी का एक बेहतर विकल्प देख रही है। वही बात कर ले रीजन की कि क्या रीजन है कि हमारी लखनऊ शताब्दी को भारतीय रेलवे रिप्लेस करना चाहती है, तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ने पहले ही नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी को वंदे भारत से बदलने का प्रस्ताव बनाया था, मतलब ये प्रपोजल काफी पहले से ही बनाया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत ट्रेन को इस शताब्दी को रिप्लेस करने के लिए एक काफी बेहतर विकल्प यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हमारी जो शताब्दी ट्रेन है लखनऊ वाली, इसका रैक भी बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। आए दिन दोस्तों इसके गेट में गड़बड़ी देखने को मिलती है और इसको लेकर दोस्तों जो यात्री हैं इस ट्रेन में सफर करने वाले उनके तरफ से भी काफी यहाँ पर शिकायत भी देखने को मिलती है इस ट्रेन को लेकर। इसके अलावा रेलवे नियम के मुताबिक सीटिंग चेयर कार की जो ट्रेन है उसमें रात का सफर नहीं किया जा सकता। सूत्र बताते हैं कि शताब्दी को वंदे भारत से तब्दील किया जा सकता है। शताब्दी का रैक पुराना होने की वजह से भारतीय रेलवे फैसला जल्दबाजी में ले सकती है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे बोर्ड अभी आनंद विहार से अयोध्या के बीच में चलने वाली वंदे भारत का जो टाइम टेबल है उसको अच्छी तरह से बनाने में जुटा हुआ है। इसके तैयार होते ही जो इनॉग्रेशन का डेट है वो यहाँ पर हम सभी को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कि ये जो रिप्लेसमेंट है वो हमें पटरी पर कब तक देखने को मिलेगा, तो दोस्तों हमारी जो अयोध्या वाली वंदे भारत ट्रेन है जो कि दिल्ली के लिए चलने वाली है, इसके इनॉग्रेशन होने के कुछ टाइम बाद, मतलब यहाँ पर कुछ महीने बाद ये रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों ये जो शताब्दी है ये अगर बंद हो जाती है तो हमारी वंदे भारत ट्रेन सबसे प्रीमियम ट्रेन होगी दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए। इसके अलावा तेजस भी इस रूट पर चलती है, लेकिन तेजस से भी जो प्रीमियम ट्रेन है वो हमारी वंदे भारत इस रूट पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय रेलवे इस वंदे भारत को यात्री मिलने में परेशानी न हो इसके लिए भी ये फैसला ले रही है। और वैसे भी ये गाड़ी अयोध्या को जोड़ने वाली है, तो राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद अयोध्या जाने वाले सैलानी और भक्तों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ऐसे भी इस गाड़ी को पैसेंजर मिलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भारतीय रेलवे शताब्दी को भी रिप्लेस करने की बात कर रही है, तो अगर शताब्दी रिप्लेस होती है तो मेरे हिसाब से इस वंदे भारत में वेटिंग लिस्ट जमकर लगने वाला है। और यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने का जो सबसे बड़ा वजह है वो है इस शताब्दी का रैक का पुराना हो जाना और गेट में गड़बड़ी होने का जो शिकायत है वो काफी ज्यादा देखने को मिला इस शताब्दी ट्रेन के साथ। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये रिप्लेसमेंट होने की वजह से यात्रियों को थोड़े ज्यादा पैसा खर्च करने पर ये काफी ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा इस वंदे भारत में करने का मौका मिलने वाला है। फिलहाल इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और हमारे देश में और कौन कौन से रूट पर शताब्दी को रिप्लेस करना चाहिए वंदे भारत ट्रेन के साथ, ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए। फिलहाल आगे इसको लेकर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।